दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स पर आपने हमेशा ही छोटी छोटी गिट्टियाँ बिछी देखी होंगी, लेकिन मेट्रो ट्रैक्स पर आपको कभी भी गिट्टी बिछी नहीं दिखेगी। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं, पूरी जानकारी देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मेट्रो ट्रैक्स को ब्लास्ट के बिना बनाया जा सकता है, क्योंकि बार बार इसके रख रखाव के लिए मेट्रो ट्रैक्स को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। ट्रैक या तो जमीन से ऊपर होता है या जमीन के नीचे। ऐसी जगह गिट्टी वाले ट्रैक्स का मेंटेनेंस करना संभव नहीं है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी 2 से 4 मिनट के बीच में होती है। इसलिए इनके ट्रैक्स को ब्लॉक करना आम लोगों के लिए परेशानी का सबक बन सकता है। रेलवे ट्रैक्स पर क्यों होते हैं पत्थर, पहले आइए ये जानते हैं। मेट्रो ट्रैक्स पर गिट्टी क्यों नहीं होती, इसका जवाब जानने के लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि रेलवे ट्रैक्स पर गिट्टियाँ क्यों होती हैं। दरअसल इन्हें बैलेस्ट कहा जाता है। जब ट्रेन ट्रैक से गुजरती है तो काफ़ी शोर और तेज कंपन होता है। ट्रैक पर पड़ी गिट्टियाँ इस शोर को कम करती हैं और कंपन के समय ट्रैक के नीचे पट्टी यानी स्लीपर्स को फैलने से रोकती है। लेकिन ट्रैक पर पड़ी इन गिट्टियों के रख रखाव में काफ़ी खर्च आता है, साथ ही कई बार इनके रख रखाव में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करना पड़ता है। जबकि मेट्रो के लिए बिना गिट्टी वाले कंक्रीट ट्रैक ही बनाने पड़ते हैं। ये ट्रैक्स बनाने में महंगे पड़ते हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस ना के बराबर करनी पड़ती है। गिट्टी रहित पटरियों में कंपन को अवशोषित करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन दिए जाते हैं, इसलिए मेट्रो ट्रैक पर बैलेंस नहीं होते हैं। बाकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।